हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। कामसूत्र इच्छाओं और इंसानों के यौन व्यवहारों की ये किताब अपनी शैली और अपने तरीके की दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है और साथ ही साथ ये भारतीय इतिहास, समाज और संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा मानी जाती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस अद्भुत और प्राचीन हिंदू लेख को आखिर लिखा किसने है? सच तो ये है कि दुनिया भर के वो लोग जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है, उन्हें भी इस किताब के लेखक के बारे में अच्छे से नहीं पता, क्योंकि इसके लेखक का जिक्र किया नहीं जाता। कामसूत्र की प्राचीन पुस्तक वात्सायना नाम के एक धार्मिक छात्र और एक महान विचारक द्वारा लिखी गई थी। उनके जीवन के समय काल का अंदाजा अभी तक लग नहीं पाया है, इसीलिए उनके सबसे बड़े लेख कामसूत्र को उन्होंने किस साल में लिखा था इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन यह स्पष्ट है कि वे गुप्त राजवंश के युग के थे। वे ऐसे विचारक थे जो धार्मिक ज्ञान जानने और प्रचार करने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों में घूमा करते थे। उनके बारे में बहुत ही कम जानकारियां सुनी और बताई गई है। यह माना जाता है कि वे तारा नाम की तांत्रिक देवी और योनि देवी कामाख्या के बारे में आदिवासियों के बीच घूम घूम कर प्रचार करते थे। उनका मानना था कि यौन संबंध की समझ और विचारधारा भी अध्यात्म पाने का एक तरीका है। कामसूत्र उनके द्वारा लिखा गया इकलौता लेख है। उनके बारे में कई चीजें उनके द्वारा लिखे जीवन के खूबसूरत सबक में मिल जाती हैं, जो कि उन्होंने कामसूत्र किताब के आखिरी पन्नों में लिखा था, जिसमें कहा गया है कि ये किताब केवल इंसानों के काम इच्छाओं और संतुष्टि को प्राप्त करने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। किताब में लिखे इस विज्ञान और सच्चे सिद्धांतों से अगर कोई इंसान परिचित हो जाए और वो अपने धर्म, आर्थिक संपत्ति और काम भावना के साथ साथ अपने और दूसरे लोगों के रीति रिवाजों के प्रति प्रेम संबंध और सम्मान रखेगा, सिर्फ वही अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर पाएगा और अपनी इच्छाओं का गुलाम ना बनकर वो दुनिया की हर चीज में विजय प्राप्त कर लेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोशनात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।